ओके, तो कल मैंने आपको लुकअप एंड रेफरेंसेस के फंक्शन बताए थे। कल कुछ पावर ब्रेक होने के कारण रिकॉर्डिंग कल की नहीं बन पाई। अगर आपको कोई फंक्शन में कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको एक फंक्शन इसमें रह गया था लुकअप का। लुकअप का हालांकि कोई खास ज़्यादा काम नहीं करता वी लुकअप, और वी लुकअप इसी लुकअप फंक्शन का एडवांस वर्जन है। लुकअप फंक्शन क्या करता है, जस्ट लाइक वी लुकअप, इसमें एक लुकअप वैल्यू है। क्या ढूंढना है? लुकअप वेक्टर। ये लुकअप वेक्टर क्या होता है कि जिसमें कॉलम में हमें ये आईडी ढूंढनी है, पहले इसमें ढूंढनी है हमें। हाँ जी, उसके बाद अगला है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर में मैंने कहा आप नेम में से दे दो मुझे, ठीक है जी, यहां से दे दिया। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो रिजल्ट वेक्टर है वो किसी भी साइड हो सकता है, इस साइड भी चलेगा। वी लुकअप में खाली आप ये राइट वाली वैल्यूज को ले सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं, पर खाली लुकअप फंक्शन में ऐसी कोई बाउंडेज नहीं, आप किधर की भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है जी। और आज मैं आपको पढ़ाता हूँ कुछ मैथ के फॉर्मूलाज के बारे में, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है जी। इसमें वैसे तो बहुत ही कई कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूले हैं, जिसको जैसे कॉस साइन, इसके लिए हमें पूरी एल्गोरिदम वगैरह लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। हम जनरल मोस्टली क्या है, जनरल फॉर्मूला लेते हैं जो सबकी समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट में से कुछ एक 28 फॉर्मूले जो है मैंने छाटे हुए हैं यहाँ, जो हमारे लिए काम देंगे। एबीएस क्या करता है? हमारे पास कोई भी माइनस वैल्यू है, अगर आप एबीएस के अंदर डालते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव दिखाता है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव में दिखाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है जी। सीलिंग, सीलिंग का फॉर्मूला क्या करता है? कैपिंग की है कभी आपने, जैसे मैं मेरे पास है 23 दिन मान लेता हूं, इनकी अब मैं कहूं कि 7 की कैपिंग में हफ्ते हफ्ते की, कितने हफ्ते हो गए, कितने वीक हो चुके हैं। सीलिंग और फ्लोर दो फॉर्मूले हैं। पहला इसमें दो आर्गुमेंट लेता है, नंबर और सिग्निफिकेंस। नंबर में जो आप नंबर हो, जैसे दिन है, मैंने कहा कि 7 दिन का एक हफ्ता हुआ, 7। ये इसमें ना कैपिंग में, जैसे 23 में, जैसे 7 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो इसके नियर अबाउट कौन सी वैल्यू जो हो गई है, मतलब होगी, जैसे मतलब हमें ये निकालना है कौन सा हफ्ता चल रहा है। तो सीलिंग से एक्चुअली में 7 की मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 7, पहले 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28। तो 21 से ऊपर थी वैल्यू तो ये आगे 28 में बदल गई। अब मुझे निकालना है कि कितने, कौन सा वीक चल रहा है, तो डिवाइड बाय अगर मैं 7 करूंगा तो इट इज 4th वीक रनिंग। इसी की तरह से कितने कंप्लीट हो गए उसके लिए हमारे पास है फ्लोर फंक्शन, सेम 7। ये मिनिमम में जाएगा, ये मैक्सिमम में जाता है, डिवाइड बाय 7।
ये कह रहा है कि 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, ये कह रहा है कि चौथा चल रहा है। डेज की कैलकुलेशन में आप यूज कर सकते हैं इसे, कैपिंग कर देता है 7-7 की, 7 जो भी आप नंबर देंगे उसकी उतने की कैपिंग बना देगा ये, फ्लोर और सीलिंग। कॉम्बिन का फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये है, हाँ मैंने 12 दिया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू तीन तीन के सेट में, जैसे मेरे पास 12 आदमी है, तीन तीन में बांटने, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 220, मतलब एक उसमें हटा दिया एक उसमें जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे 12 आदमियों के नाम है, पहले इसने संदीप प्रदीप, ये रिपीटेड है, बट जैसे ये 3 ये ले लिए, फिर इसमें से इसने एक हटा दिया दूसरा डाल दिया, फिर इसने दूसरे वाले को यहाँ से हटा दिया फिर दूसरा डाल दिया, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, मैंने 3 दिया, 3 का 1 बना, इसी जगह 4 दे दूं, 4 कॉम्बिनेशन बना सकता है ये तीन तीन के। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए कॉम्बिन फंक्शन यूज होता है। इवन ऑड के लिए आपका इवन ऑड के दो फंक्शन है, जैसे मैं इवन इवन नंबर है, अगर मैं इसे ऑड में डालता हूं, ऑड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी, ये 12 ही रहा। इवन ऑड में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी सीरीज, किसी भी नंबर को, फैक्टोरियल नंबर होता है, इसका फैक्टोरियल कितना है, जैसे कि 1 × 2 × 3 × 4, इसका रिजल्ट जो देगा ये हमारा फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है जी, फैक्ट डबल क्या करेगा, एक स्किप करके देगा, एट पहला ही स्किप कर दिया मेरे ख्याल से इसमें, 2 × 4, अगर मैं यहां 5 दूं, 15, वन थ्री फाइव, 6 देता हूं, एक स्किप करके उसमें करता रहेगा ये अपने आप, 2 × 2 = 8, 8 × 6 = 48, फ्लोर, फ्लोर का मैंने बता दिया, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिवर डिविजिबल, जैसे मैंने कहा 12-18 में को जो है सबसे बड़ा ऐसा कौन सा है जो इन इन तीनों को डिवाइड, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। जीसीडी आपने पढ़ा होगा, लघुत्तम समापवर्तक, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े तो एलसीएम और वो जीसीडी वगैरह हम निकालते थे, नंबर 2, ये दोनों नंबर ले लेता हूँ, या कितने भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेड नहीं, 6 से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट है इनका, एलसीएम का फंक्शन एज इट इज 12 से भी 36 हो जाता है डिवाइड, 18 से भी हो जाता है, इनका कॉमन जो भी होगा। जैसे हमारे पास डेसिमल में नंबर है, इंट क्या करता है,
एक मतलब विदाउट डेसिमल दिखाता, होल नंबर दिखाता है, ठीक है जी, होल नंबर में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसका क्या यूज कर सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, टुडे और नाउ का, ठीक है जी, टुडे और नाउ का, इसमें डेसिमल्स का ही फर्क है। अगर मुझे नाउ से करंट डेट निकालनी हो, सिर्फ करंट डेट, या करंट टाइम निकालना हो, तो कैसे करेंगे? इस जगह थोड़ा ये फॉर्मूला मतलब जो मोस्टली नॉर्मल पीपल्स को कंफ्यूज करेगा, इस डेट को मैं माइनस करूं इंट में वापस इसी डेट से, और इसको मैं टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है जी, इंट ने क्या किया, एक्चुअल में जो ये वैल्यूज थी वो डेसिमल में थी, इसने क्या किया, डेसिमल रिमूव कर दिए, और फिर मैंने इसमें से, इंट ने ये डेसिमल इसके रिमूव कर दिए, इसको ESV वैल्यू EAF फॉर्मेट हटा दिया मैंने ये, ठीक है जी। मोड किसी का, ये जो रिमाइंडर बचता है ना हमारे पास, किसी को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है, जैसे 10 को अगर मैं 3 से करूं डिवाइड, तो 3 3 9 हो जाएगा, बचा जो 1 है ना, वो हमारा मोड होता है, तो वो मोड के फंक्शन से निकाला जा सकता है, नंबर और डिविजिबल। ठीक है जी, 11 होता 2, जितना भी रिमाइंडर बचता है वो हमारा मोड के फंक्शन से आता है। ऑड मैंने बता दिया, पावर पावर को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 2 की पावर 3 कर दिया हमने, 8, और पावर के लिए हम ये साइन भी यूज करते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, जैसे हमने मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल वही चीज प्रोडक्ट आता है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, कितने भी दे सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। रैंड, ये आपको रैंडम नंबर देता है, कोई भी रैंडम नंबर अपनी मर्जी से दे देगा, F9 प्रेस करेंगे जैसे ही कैलकुलेट होगा ये चेंज होता रहेगा, ये अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम नंबर देता है। रैंड बिटवीन सबसे ज्यादा जो मैं यूज करता हूं, जैसे मेरा 10 से 20 के बीच के रैंडम नंबर दे दे, ये रैंडमली अपने आप नंबर जनरेट कर, 10 से 20 के बीच के, हर बार ये जैसे ही हमारी शीट कैलकुलेट होती है ये भी चेंज होता रहता है। जब जब F9 प्रेस करूंगा कैलकुलेट के लिए तो ये चेंज होता रहेगा। रोमन लेटर में कन्वर्ट करने के लिए,
राउंड का फंक्शन, राउंड करने के लिए। पहला जो है नंबर है, और अगर हम इसमें जीरो करते हैं तो इसके डेसिमल्स हटा देगा। वन तक लेना चाहते हैं खाली तो एक डेसिमल दिखाएगा। इसको आप माइनस में भी चला सकते हैं, माइनस वन करेंगे तो ये 10 दिखाएगा, मतलब 2.09 ये खत्म हो जाएगा। राउंड अप और राउंड डाउन इसी के ही रूप है। एक हम राउंड अप करते हैं, एक राउंड डाउन करते हैं। राउंड अप करते हैं पहले, तो एक पे करते हैं, क्या फर्क दिखाई देता है। मैं दो डिजिट तक अप में ये राउंड करता है, मतलब जीरो को वन में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं इसी की जगह राउंड डाउन कर देता तो वो जीरो का जीरो ही रहने देता, और एज ए जीरो फिर वो दिखाता भी नहीं इस चीज को। साइन का फॉर्मूला क्या करता है? जीरो जीरो वैल्यू के लिए, माइनस वन माइनस वैल्यू के लिए, और सिंपल वन पॉजिटिव वैल्यू के लिए। SQRT करके फॉर्मूला है हमारे पास, जिसका मतलब स्क्वायर रूट, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना हो। 16 का SQRT स्क्वायर रूट, सम का फंक्शन आपने यूज किया है सम करने के लिए। सम का शॉर्टकट है alt इक्वल टू। सम इफ, सम इफ में हम लगाते हैं इसके आगे सेल्स और डाल लेते हैं, समय ज्यादा समझ आएगा। अब मैंने कहा कि संदीप की टोटल सेल कितनी है, इसमें ये निकालना है। हम पाइवट के जरिए, फिल्टर के जरिए सिलेक्ट करके निकालते हैं ना, यहाँ पे देख के। हम सम इफ के थ्रू भी यही चीज कर सकते हैं। मैंने लिखा सम इफ, ये किसी क्राइटेरिया के बेस पे हमें टोटल करके देखता है देता है। जैसे मैंने पहला क्राइटेरिया ले लिया संदीप है, रेंज की किसमें ढूंढना है उसे, देन क्राइटेरिया क्या है हमारा, ठीक है जी। उसके बाद सम रेंज, ये क्या करेगा, जहां जहां भी संदीप मिलेगा उसके सामने वाली सेल को प्लस करके दिखा देगा। 104 यहां, ये और ये 104, ठीक है जी।
यहां तो रही बात एक क्राइटेरिया की, पर मुझे अगर दो क्राइटेरिया लगाने हो कि मैंने कहा संदीप की पलवल के अंदर कितनी सेल है, इसको भी पलवल ही कर दूं, ठीक है जी, और एक भिवाड़ी वाला, दो क्राइटेरिया हो गए या एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया मेरे पास हो सकते हैं, तो उसमें मैं यूज करूंगा सम इफ्स। इसमें क्या है कि पहले आपको सम रेंज देनी पड़ेगी, ठीक है जी, जो कि सम होना, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा नेम में से लेना है, ठीक है जी, कॉमा लगा दीजिए, क्राइटेरिया वन पूछ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाया, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया रेंज टू एंड क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया रेंज है मेरा सिटी टू, जो भी कॉमा क्राइटेरिया टू, ये रहा, ठीक है जी। अब जो है इन दो कंडीशन के बेस पे मुझे सम करके दिखाएगा, ठीक है जी। सम प्रोडक्ट क्या करता है, मान लीजिए क्वांटिटी है, या मैं रेट लगा देता हूं, यही मान लीजिए रेट भी इसको, तो अगला मुझे क्या चाहिए अमाउंट, जो कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहां पे मेरा टोटल आएगा ग्रैंड टोटल। तो इस चीज को निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है कि हमें इस सेल की भी जरूरत नहीं, सम प्रोडक्ट, यहां पे आप इन रेंज को एक सिलेक्ट किया कॉमा दूसरा सिलेक्ट किया एंटर, ये सम प्रोडक्ट। अब सबसे पावरफुल इसके बाद हमारे पास एक सब टोटल, बहुत ही पावरफुल टूल है, ये मल्टीपल आपका काम करता है, कई कई चीजें आपका ये एक ही फॉर्मूला करता है। इसमें लगा दिया मैंने फिल्टर, यहां लगाते हैं सब टोटल अपना, सबसे पहले हमें लगाना क्या है, हम क्या क्या फंक्शन लगा सकते हैं इसमें, एवरेज लगा सकते हैं, काउंट लगा सकते हैं, काउंट जो होता है नंबर्स काउंट करने के लिए, काउंट अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स को, नंबर और स्ट्रिंग दोनों काउंट करता है, मैक्स मैक्सिमम मिन मिनिमम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये पता नहीं कुछ स्टैटिकल वर्ड्स हैं मुझे इनके वो नहीं पता, सम वेरियंसीज, और बहुत सारे फंक्शन है, तो मोस्टली हम ये नाइन वाला यूज करते हैं जो कि सम के लिए चूज कर ली। ठीक है जी, पर अभी तो ये कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है जी, सिंपल सम दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ पलवल चूज कर लेता हूँ, पलवल चूज किया, जितना मेरा सेल पे विजिबल है ना, जिसके लिए हम आप यहां देख जाके देखते हैं, वो ये फॉर्मूला कर रहा है, ये आपको सिर्फ उन्हीं का सम या कोई भी ऐसा रिजल्ट दिखाएगा जो सेल हमारे विजिबल होंगे, जो सामने देखेंगे, सम काउंट वगैरह विजिबल्स के लिए खाली वर्क करता है। मैंने दो तीन और कुछ भी फिल्टर में लगा के हम इस तरह से चूज कर, ये खाली विजिबल्स का ही दिखाएगा आपको रिजल्ट,
कई बार होता है टोटल हमें फिल्टर वाइज देना पड़ता है, मतलब यहाँ पे मुझे ग्रैंड टोटल दिखाना है। पहले मैंने कब, पहले आनंद का दिखा, संदीप का दिखा दो। ठीक है जी, ये ऐसे प्रिंट ले लिया एक, देन किसी और का ऐसे ले लिया। ठीक है जी, तो ये हमें लिखा हुआ चाहिए होता है, कई बार फॉर्मेट पे फिल्टर लगा के प्रिंट लेना होता है, या फिर हमें वैसे भी कैलकुलेट करना होता है तो हम इसका यूज ज्यादा करते हैं। ऑटोमेशन में आपका यूज आ सकता है, आपने कुछ फॉर्मूला से कोई शीट वगैरह बना दी, उसमें भी यूज हो सकता है। ट्रंक, ट्रंक जो है हमारा ये राउंड की तरह थोड़ा सा काम करता है, पर इसका जो है मकसद क्या रहता है, मतलब जहां तक जितनी डिजिट तक देंगे वो वहां से छोड़ ही देगा, उठाएगा ही नहीं। जैसे मैंने कहा खाली 2 डिजिट तक ले लो, बाकी प्लस माइनस से उसे कोई मतलब नहीं, उसको रिमूव कर देता है। 44 को ये अप या डाउन अप में नहीं करेगा, इसको यहां से हटा ही देगा, मतलब जो राउंड राउंड डाउन से जो हम करते हैं वही सेम चीज। इन फॉर्मूलाज में कोई कंफ्यूजन किसी को? मैथमेटिकल फॉर्मूला, ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी ट्राई करेंगे। आज मैंने वो रो वाला किया था, मैट्रिक्स से अप्लाई था, तो प्रॉपर भी नहीं हुआ। आपने जो बताया था कि रो नंबर्स ऑटोमेटिक आते हैं, हाँ जी, तो इन केस वो अगर कुछ उसमें लिखा नहीं है तो वो ना आए, हाँ जी, वो वाला मैं भूल गई। हाँ कल की रिकॉर्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो गई ना। अब ये इसमें मैम सिंपल सा लॉजिक जो है थोड़ा सा हमें वो लगाना है। रो जो है सिंपली रो नंबर रिटर्न करता है जो आपके सामने है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये बस। अगर आपका फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो रो हमें क्या देगा, यहाँ 5 देगा। अब 5 को 1 बनाने के लिए मैंने क्या करना है, -1 करना है ना, -4 करना है ना। -4। हाँ जी, अब इसी फॉर्मूला को आप नीचे कॉपी कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। पहले तो ये नंबर सीरीज बनाने के लिए हो गया। ठीक है जी, अब सिंपल सा हमें ये चेक करना है, इसको भूल जाइए आप एकदम से, एक साइड छोड़ दीजिए। हमने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू एंटर हो तब ये फॉर्मूला काम करे, यानी इस फॉर्मूला को हम उठा के यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एस्केप से बाहर गए, यहाँ लगा देता हूँ। इफ अगर ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक या इक्वल टू ब्लैंक, आप फॉर्मूला फॉल्स में भी डाल सकते, तो ये फॉर्मूला चले, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है जी, अब मैं इस फॉर्मूला को उठा के यहाँ सामने कॉपी कर देता हूँ। ठीक है जी, अब जैसे मैं वैल्यू डालता जाऊंगा ये, ठीक है जी, कोई डाउट इसमें अब तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल। लॉजिक लगा के फॉर्मूला लगा ही नहीं है एक्चुअली, जो आप ना देखिए लॉजिक, फॉर्मूला पता है सिर्फ वही यूज करते हैं। हाँ जी, फॉर्मूला का सबसे बड़ी चीज है कि हम फॉर्मूले में जब घुस जाएंगे ना तो उसका लॉजिक नहीं दिमाग में आएगा। जब मैं भी फंसता हूँ कभी तो कंप्यूटर छोड़ के बाहर घूमने चला जाता हूँ, रास्ते में मेरे दिमाग में आ जाता है कि कैसे करना है, क्योंकि तो फॉर्मूले में उसके सिंटेक्स में घुसा रहूंगा तो नहीं समझ आएगा। ठीक है जी, इसमें कुछ नहीं है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, सिंपल
सिंपल सी, जैसे हम कहते हैं ना, जो हमें चाहिए बस उसे हमें तोड़ लेना है। हम कह ही रहे हैं ना कि जैसे ही हम वैल्यू एंटर करें तब यहाँ पे नंबर शो होना चाहिए, यानी कि ये पहले ब्लैंक था, ब्लैंक पे हमें नहीं चाहिए। सिंपल, नॉट इक्वल टू ब्लैंक तब काम करे, ठीक है जी। हाँ, तो इस तरीके से तोड़ेंगे। बाकी मैं सोच रहा हूँ इसके बाद आपके दो एक चार्ट वगैरह और रह गए, फिर फॉर्मूला की, टोटल फॉर्मूला की प्रैक्टिस कराऊं, नहीं तो एरे उसके बाद दूंगा, क्योंकि एरे आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ सिंगल सेल फॉर्मूला है। उसके अंदर आपको एरे फॉर्मूला में जैसे 10 या 12 जिन पे भी अप्लाई होना है, वो उन सबके लॉजिक आपको दिमाग में एक ही बार में सोचने पड़ेंगे। वो मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, और एरे इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था पहली बार जब मैंने देखा था उसका। इसका कुछ एरे का कॉन्सेप्ट ही अलग है, कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं, इनके चलते हैं जिसके जिससे वो सीखे जा सकते हैं। और कोई मैम किसी फॉर्मूला में दिक्कत? आप ना यहाँ से फॉर्मूला उठा के ना एक एक लगाने शुरू हो जाओ, जो समझ में आता है, जो मैंने बताया आप उसको लगाने की कोशिश करो। फाइनेंशियल वाले अभी नहीं बताए मैंने, लॉजिकल से उठा लीजिए एक एक उठा के प्रैक्टिस। और सोमवार तक आप मुझको अपने हर किसी फॉर्मूला में डाउट है तो वो बताएंगे। हो सकता है आपको ऐसा जो ऐसा भी मिले जो मेरे लिए भी यूजफुल हो, मुझे भी ना आता हो कहीं। अब रिसेंटली